ये देश का अनूठा हॉस्टल है। यहां रहने वाले 40 बच्चों की कहानी जानकर आपके मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। अभी सुबह का वक्त है, सभी बच्चे तेजी से स्कूल जाने के लिए तैयार होने में जुटे हैं। तैयार होने के बाद ये अपने अभिभावकों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इन बच्चों के लिए ये आशीर्वाद कुदरत की किसी नेमत से कम नहीं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की हैं। हिंगोली के इस हॉस्टल में रहने वाले इन सभी बच्चों में एक बात समान है, इनके पिता नहीं है। ये उन किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने कर्ज के बोझ की वजह से बुरी तरह परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इतनी कम उम्र में पिता का साया उठने से इन मासूमों की जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मुश्किल वक्त में इन्हें एक ऐसी महिला ने सहारा दिया जिनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों के लिए जीना है। ये है मीरा कदम। मीरा इस हॉस्टल की संस्थापक है। को मोटिवेशन देते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये सब करने में मेरे पति का बहुत बड़ा साथ है, इस सब में मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। तो बच्चे यहाँ पे सीख रहे, बहुत खुशी मिलती है कि कुछ कर सकते हैं हम। मराठवाड़ा में 2014-2015 में भीषण सूखा पड़ा था, तब बड़ी तादाद में किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। पीड़ित परिवारों के दर्द को जानकर मीरा अंदर तक हिल उठी थी। इन्होंने इन परिवार के बच्चों के लिए तभी कुछ करने की ठानी थी और इन्हें एक छत देने के मकसद से हिंगोली में सेवा सदन के नाम से इस हॉस्टल की नींव रखी। आज इसमें खुदकुशी कर चुके किसानों के 40 बच्चे पढ़ते हैं। मीरा इन सब के अभिभावक हैं। हम हमारे भाईचारे से रहते और हमारे यहाँ पिताजी की और माँ की महसूस कमी नहीं होती। माँ और पिताजी की महसूस कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे जो मैडम और सर है वही हमारी माँ और पिताजी है। मीरा कदम खुद जिला परिषद स्कूल में अध्यापिका है। शरीर से दिव्यांग होने के बावजूद इनके हौसले चट्टानी हैं और संकल्प इतना मजबूत कि जो एक बार ठान लिया उससे कभी पीछे नहीं हटी। इस मिशन में पति धनराज कदम ने हर पल साथ निभाया। शुरुआत 5 बच्चों से हुई थी और आज मीरा अपने और अपने पति की आय का बड़ा हिस्सा इन बच्चों पर ही खर्च करती हैं, जिससे गुरबत इन बच्चों के सपने को पूरा करने की राह में दीवार न बन पाए। मैं और मेरी पत्नी ने एक दिन बैठ के उसने मेरे को पूछा कि ऐसा ऐसा करने का है, तो मेरे को भी अच्छा लगा, हम दोनों मिलके करते हैं। और इस अभी के ज़माने में हम उनके माँ पिता तो नहीं बन सकते, मगर एक मामा का मैं मामा तो बन सकता हूँ। यह हॉस्टल देश में समाज के लिए कुछ करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। आसपास के इलाकों में इसकी मिसाल दी जाती है। खुदकुशी करने वाले किसानों के पीड़ित परिवार के लिए ये उम्मीद का वो केंद्र है जहां से उन्हें अपना भविष्य रोशन होने की उम्मीद बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।